हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये तो हम सभी जानते हैं कि कुछ टाइम पहले वीजी होप और जंगकुक ने साथ में लाइव सेशन किया था। हालांकि फ्रेंड्स, जंगकुक अपने काम में थोड़ा बिजी थे, इसीलिए वो जी होप और वी के साथ काफी ज्यादा मस्ती नहीं कर पाए। और जब वो आए तो आने से ये कह के चले गए कि वो थोड़ा बिजी हैं। लेकिन फ्रेंड्स, वी और जी होप ने काफी ज्यादा मस्ती किया और लाइव सेशन के दौरान अपनी आर्मीज को काफी ज्यादा एंटरटेन भी किया था। फ्रेंड्स, उस लाइव सेशन में जी होप के बाल जीन की तरह ही मिलिट्री कट में नजर आ रहे थे, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद जी होप भी जल्द ही जीन की तरह मिलिट्री सर्विस में एनालिस्ट होने वाले हैं। और फ्रेंड्स, इतना ही नहीं, उसी लाइव सेशन के दौरान वी ने भी आर्मी से कहा कि आवर ह्यूंग इज गोइंग, यानी कि हमारे ह्यूंग जा रहे हैं, जिससे कि ऐसा लग रहा है कि काफी हद तक बीटीएस मेंबर जे होप भी अब जल्द ही मिलिट्री सर्विस में चले जाएंगे। फ्रेंड्स, जहां इस लाइव सेशन में तीनों ही बीटीएस मेंबर काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे, तो वहीं उसी लाइव सेशन में जंगकुक ने कुछ ऐसा किया जिससे आर्मीज पूरी तरह शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि फ्रेंड्स, उन्होंने अपने आर्मीज को अपने अंडरगारमेंट शो किए थे। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर जंगकुक ने ऐसा क्यों किया, तो मेरी वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा बीटीएस के आगे लेटेस्ट न्यूज को जानने के लिए। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, दरअसल उस लाइव सेशन के दौरान वी जी होप और जंगकुक मस्ती कर रहे थे, पर जंगकुक को कुछ काम था जिसकी वजह से वो वहाँ से चले गए। हालांकि फ्रेंड्स, बाद में जंगकुक ने अकेले ही अपने आर्मी से काफी सारे लाइव सेशन के दौरान बातें की। और फ्रेंड्स, बातें करते करते ही उस लाइव सेशन के दौरान ही जंगकुक अपने कपड़ों को फोल्ड भी करने लगे थे, और फ्रेंड्स, जिसमें उन्होंने काफी सारे अंडरवियर भी फोल्ड किए थे। फ्रेंड्स, आप खुद ही उस वीडियो को देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि जंगकुक किस तरह अपने आर्मीज के सामने ऐसा कर रहे थे। हालांकि फ्रेंड्स, काफी सारी आर्मीज जंगकुक को ऐसा करते देख थोड़ा शर्मा गई थी, लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स, जंगकुक का ऐसा करने के पीछे कोई बड़ा रीजन हो सकता है, जिसमें सबसे पहला रीजन ये हो सकता है कि जैसा कि फ्रेंड्स हम सब जानते हैं कि जंगकुक रिसेंटली ही कैल्विन क्लेन के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, तो वो अपने आर्मीज को इस कंपनी का सामान यूज करने के लिए पेश कर रहे हों। और शायद उन्होंने सोचा होगा कि लाइव सेशन के दौरान अगर वो आर्मीज को बताएंगे कि वो कैल्विन क्लेन के अंडरवियर यूज करते हैं, तो हो सकता है उनकी आर्मीज भी उस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करे, जिससे कि उस कंपनी को काफी ज्यादा प्रॉफिट हो जाए। और फ्रेंड्स, ये तो हम सभी जानते हैं कि जंगकुक अगर किसी कंपनी का ऐड कर दे तो आर्मीज उस कंपनी की चीजों को जरूर यूज करना चाहेगी, और शायद काफी सारे आर्मीज ने ऐसा देखकर ले भी लिया होगा, और इसीलिए हो सकता है कि लाइव सेशन में कैल्विन क्लेन के अंडरगारमेंट्स को जंगकुक फोल्ड कर रहे हो। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जंगकुक भी और जी होप के लाइव के दौरान काफी ज्यादा बिजी थे, तो फ्रेंड्स, उन्होंने आर्मीज को खुद ये बताया कि वो सुबह से ही कपड़े धो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है, आखिर क्यों जंगकुक ने ऐसा किया होगा? अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।